हेलो दोस्तों, मैं बॉलीवुड डायरेक्टर एंड कोरियोग्राफर सुहेल कुरैशी SQF फिल्म प्रोडक्शन में आपका बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि बॉलीवुड के मशहूर और लेजेंड रहे मोहम्मद अजीज, जो बॉलीवुड के सिंगर थे, उनकी बॉलीवुड में एंट्री कैसे हुई और कौन सी फिल्म से उन्हें ब्रेक मिला और कौन से म्यूजिक डायरेक्टर ने उन्हें ब्रेक दिया। लेकिन इस सारी जानकारी से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। दोस्तों, मोहम्मद अजीज, जब इस नाम को लिया जाता है तो इंडस्ट्री में गाए हुए उनके वो गीत ऐसे तरोताजा हो जाते हैं जैसे उन्होंने आज ही गाए हों। जैसे सबसे सदाबहार और सबसे सुपरहिट गीत उनका मेरी नज़रों में जो था वो था दिल दिया है जहाँ भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। और दूसरा जो उनका गीत था वो बड़ा फेमस था, सावन के झूलों में मुझको झुलाया। और तीसरा गीत हाल ही में अभी उनके मरने के बाद में वायरल हुआ है, मैं से तेरा मेरा खाकी से, वो गाना भी उन्होंने गाया था। इस तरीके से कुल मिलाकर मोहम्मद अजीज ने बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर समथिंग 6000 गीत गाए थे। दोस्तों, मोहम्मद अजीज की बॉलीवुड में एंट्री ऐसे ही नहीं हो गई थी। मोहम्मद अजीज एक बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे और वो कलकत्ता के रहने वाले थे। और उनके पापा के गुजर जाने के बाद एकमात्र वही सहारा थे अपने परिवार का, और उनकी बहनें थीं उनके साथ में, और वो कलकत्ता में रहते थे। और कलकत्ता में रह करके वो जो वहाँ के लोकल प्रोग्राम होते हैं उसमें गाते थे। लेकिन जब उनके पिताजी का साया उनके सर से उठ गया तो उन्होंने सोचा कि अब खर्चा भी बढ़ गया है, और उन्होंने फिर मुंबई के लिए कूच कर दिया। और मुंबई में वो भटकने लगे, दर 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 भटके, वो सारे स्टूडियो में वो भटके, लेकिन उनको कभी कहीं पर कोई रोल नहीं मिल पा रहा था। स्ट्रगल चल रहा था, खाने के लिए भी उनके पास ऐसी स्थिति नहीं थी कि आज दोपहर का खा लिया तो शाम की नहीं पता थी, शाम का खा लिया तो सुबह की नहीं पता थी। बहरहाल वो किसी सूरत से मुंबई में टिके रहे और रुके रहे। दोस्तों, आपको बता दूं, उस दौरान शब्बीर कुमार एक बहुत ही सुपरहिट सिंगर हुआ करते थे उस दौरान के, और वो चल रहे थे और उनका सिक्का चल रहा था। उनके फिल्म में एक एक फिल्म में पूरे पूरे गाने उन्हीं के हुआ करते थे। तो एक फिल्म बन रही थी एक बार जिसका नाम था मर्द टांगे वाला। जी हाँ, अमिताभ बच्चन की फिल्म थी मर्द टांगे वाला। और उस फिल्म के जो म्यूज़िक कर रहे थे वो कर रहे थे अनु मलिक। अब अनु मलिक ने शब्बीर कुमार से कहा कि भाई ये गाना हम इस दिन रिकॉर्ड करेंगे। और इधर फिल्म की शूटिंग भी साथ ही साथ चल रही थी। शब्बीर कुमार उन दिनों बिजी हो गए अपने शोज को लेकर के, तो शब्बीर कुमार ने कहा कि भाई मेरा कल वहाँ शो है और हम इसे रात को रिकॉर्ड करेंगे। इस पर अनु मलिक ने कहा कि अगर आप शो करके आएंगे, ट्रेवल करेंगे और फिर गाना रिकॉर्ड करेंगे तो वो बात नहीं आएगी, क्योंकि फिल्म बहुत बड़ी है और ऊपर से अमिताभ बच्चन उस वक्त सुपरस्टार हो चुके थे और मनमोहन देसाई की फिल्म थी और अनु मलिक कोई रिस्क उसमें लेना नहीं चाहते थे। बहरहाल हुआ ये कि उनसे कहा गया कि ठीक है, शब्बीर कुमार की आवाज़ में ही ये गाना रिकॉर्ड होगा, इस रिकॉर्डिंग को 2 दिन के लिए आगे बढ़ा देते हैं। लेकिन मनमोहन देसाई का जब फ़ोन आया अनु मलिक के पास कि हमें गाना चाहिए और हमें कल इसको रिकॉर्ड शूट करना है, तो अनु मलिक हॉपलेस हो गए कि यार क्या करूं, मैं तो शब्बीर कुमार से कह चुका हूं कि परसों गाना रिकॉर्ड होगा, और मनमोहन देसाई जी का फ़ोन आ गया कि कल उन्हें गाना चाहिए। अब उस तरीके की आवाज़, जो बेस हो जिस आवाज़ में, वो कोई उनके समझ में नहीं आ रही थी उस वक्त। तो अनु मलिक ने मोहम्मद अजीज को एक स्टूडियो में सुना था कहीं पर, तो फिर अनु मलिक ने अपने ड्राइवर से कहा कि यार उस लड़के को ढूंढो और उसकी आवाज़ में हम ये गाना रिकॉर्ड कराएंगे। अनु मलिक ने ये सोचा था कि आज उसकी आवाज़ में गाना डमी रिकॉर्डिंग करा देंगे और वहाँ पर शूट हो जाएगा, शब्बीर कुमार लौटेंगे तो फिर हम जो है दोबारा से इसको रिकॉर्डिंग कर देंगे। अब मोहम्मद अजीज को उनका ड्राइवर ढूंढने लगा। उस दौरान फ़ोन होते थे लेकिन लिमिटेड होते थे, और ख़ासतौर मोहम्मद अजीज तो फिर वैसे ही अपने दोस्तों के साथ इधर उधर कहीं समय बिता रहे थे, कभी कहीं सोते थे, कभी कहीं सोते थे। फिर अनु मलिक ने अपने ड्राइवर से कहा कि उसका पता निकालो कि वो लड़का कहाँ रहता है। तो किसी स्टूडियो से पता लगा कि वो लड़का होटल या ढाबे पे कभी कभी खाना खाने आता है। तो अनु मलिक ने अपने ड्राइवर को वहाँ भेजा। जब अनु मलिक ने अपने ड्राइवर को वहाँ भेजा तो वहाँ से वो नहीं मिला। पता लगा कि वो लड़का जो है ऐसे उस दोस्त के घर पर रहता है। तो ड्राइवर सीधा वहाँ पहुँचा। उस वक्त मोहम्मद अजीज सो रहे थे घर में, और जब उन्होंने कमरे में सो रहे थे तो जब अनु मलिक के ड्राइवर थे उन्होंने जब उनसे कहा कि आपको अनु मलिक जी ने बुलाया है, तो मोहम्मद अजीज समझ नहीं पा रहे थे कि ये हो क्या रहा है। मुझे तो मैं स्टूडियो में दर दर जाके
भटक रहा हूँ तो मुझे कोई काम नहीं दे रहा। और आज अनु मलिक उस वक्त बहुत सुपरहिट म्यूजिक दे रहे थे और इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम थे। बहरहाल वो गाड़ी में बैठ के पहुँच गए और स्टूडियो में जाकर के पहुँचे, और जब अनु मलिक को अपने सामने देखा तो हक्का बक्का रह गए कि ये तो सच है। अनु मलिक ने उस पर कहा कि देख दोस्त, आज तेरी और मेरी इज्जत का सवाल है। ये गाना सबीर कुमार से मैं गवाने वाला था, लेकिन ये गाना मैं अब तुझसे गवा रहा हूँ। आज इस गाने को बढ़िया से तू गा दे, समझ ले तेरी भी किस्मत खुल गई। अब मोहम्मद अजीज टेंशन में आ गए, क्योंकि मोहम्मद अजीज जानते थे कि एक तो पहले बार में इतना बड़ा मौका, अमिताभ बच्चन सुपरस्टार, मनमोहन देसाई उस वक्त के बहुत बड़े डायरेक्टर, और सामने अनु मलिक। अब मोहम्मद अजीज के सामने एक समस्या खड़ी हो गई कि अगर ये गाना फ्लॉप हुआ तो मेरा इंडस्ट्री में सफर शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगा। बहरहाल वो अनु मलिक ने मोहम्मद अजीज की आवाज में गाना रिकॉर्ड करवाया। मैं मर्द टांगे बाला। और जब वो गाना रिकॉर्ड होकर के भेजा गया वहां पर, तो मोहम्मद अजीज की आवाज में जब वो रिकॉर्ड हुआ तो अनु मलिक ने कहा कि ऐसे ऐसे सबीर कुमार के साथ ये प्रॉब्लम आ गई है, मैंने एक नए सिंगर की आवाज़ में गाना ये आपको रिकॉर्ड करके भेज दिया है, आप इस पर शूटिंग कर लीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आएगा तो सबीर कुमार की आवाज़ में हम इसको दोबारा से रिकॉर्ड करा लेंगे। लेकिन जब वो आवाज़ अमिताभ बच्चन और मनमोहन देसाई ने सुनी तो अनु मलिक को फ़ोन किया उनको कि नहीं, अब आवाज़ चेंज नहीं होगी, यही आवाज़ में ये गाना रहेगा। फिर अनु मलिक ने मोहम्मद अजीज को कहा, मुबारक हो दोस्त, तुम्हारा गाना सेलेक्ट हो गया और तुम्हारा गाना ही फिल्म में रखा जाएगा। और उसके बाद फिर मोहम्मद अजीज का नाम जो पड़ा वो मुन्ना पड़ गया इंडस्ट्री के अंदर, और मोहम्मद अजीज ने जो वहाँ से अपनी सिंगिंग की जर्नी स्टार्ट की, एक से एक सुपरहिट गीत उन्होंने बॉलीवुड में गाए, धर्मेंद्र को उन्होंने अपनी आवाज़ दी, अमिताभ बच्चन, जितेंद्र, उस वक्त का कोई ऐसा बड़ा सेलिब्रिटी नहीं था जिसे उन्होंने अपनी आवाज़ नहीं दी हो। यहाँ तक कि एक दौर वो आ गया कि सबीर कुमार जो पहली पसंद हुआ करते थे म्यूज़िक डायरेक्टरों की, अब मोहम्मद अजीज पहली पसंद होने लगे डायरेक्टरों की, क्योंकि उनकी आवाज़ का जो बेस था उसका कोई तोड़ नहीं था। तो दोस्तों ये था किस्सा कि बॉलीवुड के लेजेंड रहे सिंगर मोहम्मद अजीज की बॉलीवुड में एंट्री कैसे हुई। तो कभी कभी किस्मत इस मोड़ों से, इन रास्तों से एंट्री करा देती है एक अच्छी जगह की, जो आप सोच भी नहीं सकते थे। मोहम्मद अजीज को क्या पता था कि दर दर स्टूडियो के चक्कर लगाने के बाद आपको काम नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप एक कमरे में सो रहे होंगे तब आपको काम मिल जाएगा। बहरहाल मोहम्मद अजीज ने एक से एक बेहतरीन गीत गाया और बॉलीवुड में अपने नाम के झंडे गाड़ दिए। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी आवाज़, उनके गीत इस दुनिया में है और हम सभी गुनगुनाते हैं। दोस्तों ये था मोहम्मद अजीज की एंट्री बॉलीवुड में कैसी हुई। तो आपको ये किस्सा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही किस्सों के लिए आप हमारे चैनल को अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो लाइक कर लीजिए, अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो फॉलो कर लीजिए। अब दीजिए मुझे इजाज़त, फिर मिलूँगा आपके साथ एक नए किस्से के साथ। जय हिंद।